गाइज़, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल लुसी मिश्रा ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी बज रहा है 10, तो हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। तो आज हमारा सारा काम हो चुका है, हम लोग नहा सुना के रेडी भी हो गए और ये भी ड्यूटी से आ गए हैं कपड़े पहन। और इसे देखिए, ये खा रहा है जलेबी, क्योंकि इसके पापा नाश्ता लाए हैं हम लोगों के लिए। तो हम भी खा रहे थे बैठ के समोसे और जलेबी। समोसे हमें पसंद नहीं आए तो पापा के लिए रख दिए हैं। तो खाना भी बन गया, अब जा रहे पापा का लंच पैक करने के लिए। फिर जाएंगे पापा को दे के आएंगे, उसके बाद आज का ब्लॉग हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये रहा आज का हमारा सारा काम फिनिश हो चुका है। बिस्तर भी मैं पूरा आज कंप्लीट कर ली, हर काम मेरा हो चुका है। फिर मैं बैठ गई नाश्ता करने के लिए, जलेबी और समोसे। समोसे मुझे अच्छे नहीं लगे तो एक मैंने छोड़ दिया, एक खा लिए। अब ये भी बोला है मैं नहीं खाऊँगा, इसे अब नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि जलेबी ज़्यादा मीठा हो गया इसके लिए। अब इसे बिस्किट खाना है, इसे बोला है निकालने के लिए नहीं। जा रहे हैं पापा का खाना पैक करने के लिए, तो हम खाना पैक करके आप लोगों से मिलते हैं। ये आके यहाँ बैठ चुके हैं क्योंकि इनके सर पे नींद सवार है, सर पे नहीं आंखों में नींद सवार है। अब ये नाच रहा है। आती हूँ इसके दादा के लिए टिफिन पैक करने के लिए और इसके पापा चले जाते हैं लंच देने के लिए। और फिर हम दोनों बाहर में बैठ के इंतज़ार करते हैं इसके पापा का। इसके पापा तो अभी तक नहीं आए, तो हम दोनों ने सोचा कि चलते हैं कहीं और घूमने के लिए। तो हम लोग निकल पड़ते हैं खेत की तरफ। तो खेतों में तो कोई नहीं होता, लेकिन पंछियाँ ज़रूर होती हैं। तो इधर चलती है ठंडी ठंडी हवा, तो मैं सोचती हूँ क्यों ना शाम में इधर आया जाए और घूमा जाए। हम लोग थोड़ी दूर और जाते हैं, थोड़ी दूर जाने के बाद देखते हैं कि इसके पापा भी आ ही रहे होते हैं। तो हम लोग रिटर्न आ जाते हैं घर। घर आने के बाद हम लोग खाने लगते हैं खाना, और हम भी बैठ जाते हैं खाने के लिए, और ये भी बैठ जाता है अपना दूध लेके, और हम लोग सब मिल के खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद हम सो जाते हैं। सोने के बाद उठते हैं तो फ्रेश व्रेश होके फिर मैं लग जाती हूँ खाना खाने में, और ये भी बैठ जाता है अपनी गाड़ी के साथ खाना खाने के लिए। और मुझे करता है परेशान कि मैं खिलाऊँ इसकी गाड़ी को भी। ये अपनी गाड़ी को आगे में देता है कि खिलाओ इसे भी खाना। मैं नहीं खिलाती तो ये मुझे मारने लगता है ज़ोर ज़ोर से चाटा। मुझे लगती है इतनी तेज़ चोट कि मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद फिर ये भी मैं भी देती हूँ इसे एक चाटा जोर से। तो ये भी बैठ के चुपचाप रोने लगता है, मैं इसे चुप कराती हूँ लेकिन ये चुप नहीं होता है। मैं बोलती हूँ मैं तुम्हें चीज़ी खिलाऊँगी तुम चुप हो जाओ, लेकिन फिर भी ये चुप नहीं होता है। तो मैं चलती हूँ चीज़ी बनाने के लिए, लकी के लिए दूध था, तो दूध में चीनी डाल के थोड़ा सा इसे पका देती हूँ और ये मीठा वाला बनने को रेडी है। तब तक मैं जाती हूँ अपना हुलिया संवारने के लिए। मैं अपना हुलिया देख के बहुत तंग थी, तो मैं चली गई अपना हुलिया संवारने के लिए जब तक वो मेरा हो जाए। लेकिन मैं हुलिया भी संवार ली, और लकी बोला मुझे खाना है आइसक्रीम, तो मैं चल रही उसे आइसक्रीम दिलवाने। ये आगे आगे दौड़ के लगा जाने के लिए, फिर के सबसे पहले आइसक्रीम के पास पहुंच चुका था। फिर मैं भी गई इसे एक पांच वाला आइसक्रीम दिलवा दी, और ये आइसक्रीम लेता है और दौड़ के भागता है घर की तरफ। ये आइसक्रीम को देख ही रहा होता है कि मैं पैसे दे देती हूँ जब तक, और ये भाग जाता है घर दौड़ के। मैं भी आ जाती हूँ घर कि अपना देख लो इसका चीज़ी भी तैयार हुआ है या नहीं। चीज़ी तो नहीं तैयार होती है, लेकिन ये महाराज अभी तक सो ही रहे हैं। लकी भी अपना आइसक्रीम खा रहा है, मैं भी बैठ जाती हूँ इसके साथ। फिर थोड़ी देर हम लोग मस्ती करते हैं। ये खाना आइसक्रीम मैं देख रही थी, मुझे दे ही नहीं रहा था ये। फिर मैं अपना चीज़ी बनाती हूँ, ये अभी तक हुआ नहीं। तब तक मैं चली जाती हूँ झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू लगाने के बाद देखती हूँ कि मेरा लकी का चीज़ी भी तैयार हो चुका है। फ़ैन बंद था तो मैं कर देती हूँ फ़ैन ऑन। पंखा चलता है तो ठंडी ठंडी हवा भी चलती है। और फिर मैं चली जाती हूँ खाने के लिए अपना बनाया हुआ खोया। मैं खाती हूँ कि मुझे याद आता है मैं थोड़ा सा उठा के अपने हस्बैंड को भी खिला दूँ।
तो मैं इन्हें उठा के इन्हें भी एक दो चम्मच खिलाई, आँख बंद करके आराम से खाई। हम दोनों उसका बुद्धि करते हैं और निकल जाते हैं, जाता है खेतों की मैं देती हूँ। तो हम लोग लक्की को लगता है कुछ ज़्यादा ही गर्म, मुझे लगी खा नहीं पाता है, पीछे पलटती हूँ और लगती बनाती हूँ, इसका मुँह जल जाता है और ये बैठ जाता है शांति से। ये आइसक्रीम खाया तो उसका कलर हाथ में लग गया सारे लोग, और मैं अपना चीज़ खत्म करके चल देती हूँ घूमने के लिए, और ये अभी तक सो रहे होते खा पी के। और फिर हम दोनों निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। पंछी अपना अपना खेल खेल रहे थे, सब अपने अपने मौज मस्ती में ठंडी ठंडी हवा ले रहे थे, और सारे छोटे छोटे बच्चे और पंछियाँ आसमान में, बच्चे ज़मीन पे, सारे घूम घूम के खेल रहे थे, और हम दोनों अपनी मस्ती में और ये अपनी मस्ती में। सारे बच्चे को ये देख के खुश हो रहा था और मेरा दुपट्टा चुन्नी से खेल रहा था। फिर ये दोनों में झगड़े होने लगते हैं तो हम इसे हटाने लगते हैं कि झगड़ा क्यों कर रहे हो। फिर मोर का बच्चा दिख जाता है तो हम लोग थोड़ी दूर बढ़ने के बाद जाते हैं और फिर देखने जाते हैं कि मोर का बच्चा है या चला गया, लेकिन मोर का बच्चा वहीं रहता है तो हम उसका भी वीडियो थोड़ा सा बना लेते हैं। और फिर हम लोग वापस आ जाते हैं घर। लक्की उठाने में लग जाता है अपने पापा को, पापा को उठाते उठाते घूमते घूमते उठा ही लेता है, लेकिन इसके पापा अभी तक सोए होते हैं तो उठते नहीं हैं जल्दी। हम बोलते हैं उठाओ उठाओ तो ये उठाते ही रहता है, उठा लेता है। फिर खाना पीना हो जाता है और ये चले जाते हैं अपने काम पे ड्यूटी, अपना काम ही करने लगते हैं। और उसके बाद हम लोग भी अपने कमरे में सो जाते हैं और ये अपने काम में एकदम बिजी हो जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है। तो कैसा लगा हमारा आज का ब्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा ब्लॉग आज का कैसा लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।